आगे आती हुई नजर आ रही है वो एक बड़ा इनके लिए पॉजिटिव फैक्टर बन सकता है। साथ ही कच्चा तेल अब नियंत्रण में बन गया है, 80 से 84 डॉलर के आसपास ही यहाँ पर लगातार ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहे हैं। तो और क्रूड डेरिवेटिव्स आप जानते ही हैं कि इनके कॉस्ट कंपोनेंट का ओवरऑल कितना बड़ा हिस्सा रहता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वो आगे चलकर काफ़ी बेहतरीन रह सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। और साथ ही आप देखिए ओवरऑल कंपनी के लिए जो पॉजिटिविटी बन रही है, जो मार्केट लीडरशिप है इनकी, वो तो इंटैक्ट है ही। अब यही देखना है कि आगे चलकर जो कॉम्पिटिटर्स निकल कर आते हैं वो इनके मार्केट शेयर को कितना हर्ट करते हैं, बट ओवरऑल जो डिमांड आउटलुक है आगे के लिए वो पॉजिटिव साइड पर मुझे देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर इस वजह से अच्छी तेज़ी आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो अगले 6 महीनों का ही यहाँ पर आपको अपना जो होल्डिंग पीरियड है वो बनाकर चलना है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 10-12% के रिटर्न्स के लिए प्ले ऑन कर सकते हैं। 3600 रुपए का टारगेट बनाना है आपको एशियन पेंट्स में। देखिए इन्वेस्टमेंट